मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से, आज जो छात्र प्रथम वर्ष से संबंधित है उनको सब्जेक्ट कोड 108 में कारपेंट्री वर्कशॉप में विभिन्न जो टूल्स काम में लेते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो बच्चों, ये आपका स्टील का स्केल है जिसकी जिसपे दो तरह से हम नाप सकते हैं, एक सेंटीमीटर में और इंच में। तो किसी भी लकड़ी की लंबाई, ये मेजरिंग टूल है जिसकी मदद से हम किसी लकड़ी की या किसी की हम लंबाई नाप सकते हैं। तो सेंटीमीटर और इंचों से नापा जा सकता है। एक फुट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में हम कुछ गेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र में जैसे कि दिखाया गया है, दो तरीके की गेजेस काम में लेते हैं जो कि मार्किंग गेजेस हैं, मार्किंग करने के काम आते हैं। ये बेसिकली लकड़ी के एज से कितनी दूरी पे कोई पैरेलल लाइन बनानी है तो इस मार्किंग गेज और मोटाइज गेज की मदद से हम बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं लकड़ी पे पैरेलल लाइंस एज के पैरेलल में। तो ये देखें, ये आपका मार्किंग गेज है जिसमें ये आपका स्टेम है लकड़ी का, ये इस वुडन स्टोक में मूव कर सकता है और इस स्टेम को हम किसी पोजीशन पे फिक्स कर सकते हैं थंब स्क्रू की मदद से। और ये पेन और ये जो स्टॉक है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम वेरी कर सकते हैं। तो आपका मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी लेंथ है उसको इसकी मदद से हम फिक्स कर देंगे इस थंब स्क्रू की मदद से। इसी तरह से ये इसमें ये मार्किंग पिन है, ये आपके मोटाइज गेज है जिसमें दो पिन है, मार्किंग पिन दो हैं। तो ये मार्किंग गेज की मदद से, ये गेजेस की मदद से हम किसी भी लकड़ी पे हम गेजिंग के काम में ले सकते हैं, मार्किंग करने के काम में ले सकते हैं। ये आपका सॉ है, ये सॉ के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ये टॉय है, ये बैक है, ये हील है, ये दांते हैं और ये हैंडल है। इस हैंडल की मदद से हम इस सॉ को आगे पीछे करके यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन देके कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाता है ये। तो ये कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, तो जैसे ये बैकवर्ड में मोशन में आता है तब ये कटिंग ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे हम ये जो ब्लेड्स हैं इनकी प्रोफाइल को देखेंगे तो ये प्रोफाइल इस तरह की होती हैं। इसमें इसकी लेंथ लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई लगभग 6 से 14 सेंटीमीटर तक होती हैं। और ये TPI में होता है, ये जो दांते हैं पर इंच में नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं उसको TPI बोलते हैं। ये लगभग 3 से 5 होती हैं। तो ये उसके बाद में ये आपका ये इस सॉ की मदद से हम कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी लकड़ी को काटना है तो इस सॉ की मदद से हम किसी भी लकड़ी को हम पूरा काट सकते हैं। उसके बाद में ये आता है जैक प्लेन, मेटल जैक प्लेन जो कि प्लेनिंग के काम आता है, लकड़ी को प्लेन करने के काम आता है। इसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। ये आपका फ्रॉग है, ये स्क्रू फ्रॉग की मदद से, ये स्क्रू की मदद से हम फ्रॉग को फिक्स कर सकते हैं। और इसमें और दो स्क्रू होते हैं जिसकी मदद से हम फ्रॉग को इस आयरन बॉडी के साथ में फिक्स कर सकते हैं और इसकी स्क्रू की मदद से हम डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका लीवर एडजस्टमेंट है जिससे लेटरल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपका लीवर कैप है और ये लीवर कैम है और ये आपका लीवर कैप को इस स्क्रू की मदद से हम टाइट कर सकते हैं। ये नॉब है, ये स्क्रू की मदद से हम इस बॉडी के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसी तरह ये फ्रंट, ये रेयर हैंडल है, इसको भी स्क्रू की मदद से हम जैक बॉडी के साथ में अटैच कर सकते हैं। ये आपका टॉय है, ये हील है और ये सॉल है और ये आपका माउथ है। ये माउथ पे एज निकला रहता है, ब्लेड का एज निकला रहता है जिससे हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं या प्लेनिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये जैक प्लेन है। उसके बाद में ये कारपेंट्री वाइस है। इस कारपेंट्री वाइस की मदद से जब भी हमें कोई कटिंग ऑपरेशन करना होता है या फिर प्लेनिंग ऑपरेशन करना होता है तो इस जॉब को इस जॉ के बीच में रख के इस मूवेबल जॉ से ये लीवर को घुमा के हम इस मूवेबल जॉ को आगे पीछे कर सकते हैं और जॉब को टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइट किया जा सकता है। यहाँ स्क्रू है और लीवर की मदद से हम ये मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ
इनके बीच की दूरी को हम डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ये मूवेबल जॉब मूव कर सकता है आगे पीछे। तो इस कारपेंट्री वाइस की मदद से हम किसी जॉब को टाइट कर सकते हैं और उसके बाद में जो ऑपरेशन जैसे कटिंग ऑपरेशन करना है, प्लेनिंग ऑपरेशन करना है, वो हम इसी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद में ये है आपका ट्राई स्क्वायर। इस ट्राई स्क्वायर में ये फिक्स स्टॉक, ये स्टॉक है कास्ट आयरन का स्टॉक है और ये स्केल है, ये इसके साथ फिक्स रहता है और इसकी मदद से हम किसी दो एजेस के स्क्वायर 90 डिग्री एंगल को चेक कर सकते हैं। ये दो एज जब एक वर्टिकल एज है और एक हॉरिजॉन्टल एज है, उनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री को इस ट्राई स्क्वायर की मदद से हम चेक कर सकते हैं। ये आपका मैलेट्स है, ये मैलेट्स लकड़ी का होता है, ये हैंडल है और ये हेड है। ये हेड का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। ये एक स्ट्राइकिंग टूल है जिसकी मदद से हम हैमरिंग एक्शन करते हैं, ये उसको मैलेट कहते हैं। ये आपका रास फाइल है, ये उड़न रास फाइल है। ये आपके कटिंग एजेस हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये शार्प कटिंग टीथ है। इनकी मदद से ये एक फिनिशिंग टूल है जो कि किसी लकड़ी को फिनिशिंग के काम में आता है। जैसे कोई इंटीरियर की फिनिशिंग करनी है लकड़ी में, इंटीरियर अंदर फिनिशिंग करनी है सरफेस को, तो ये उड़न रास फाइल की मदद से हम फिनिशिंग कर सकते हैं। ये आपका चीजल है, ये चीजल में ये आपके हैंडल है, ये आपके फेरूल है, ये टैंग है, ये शैंक है और ये आपका ब्लेड है। ये चीजल दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मर चीजल होता है, एक मोटाई चीजल होता है। फॉर्मर चीजल की थिकनेस कम होती है, उसकी जो ब्लेड की थिकनेस है वो कम होती है और मोटाई चीज थोड़ी सी मोटी होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। तो जब भी हमें डीप कट करना है या ज़्यादा स्टॉक रिमूवल करना है तो हम मोटाई चीजल को काम में लेते हैं और फॉर्मर चीजल वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पर हमें कम थिकनेस वाला स्टॉक को रिमूवल करना है। तो ये छीलने के काम आता है, जैसे कोई लकड़ी से हमने 100 से काट चुके हैं तो अब उसको हटाना है, उस लकड़ी से रिमूवल करना है, तो चीजल की मदद से हम रिमूवल करते हैं। इस तरह से कारपेंट्री वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है वो काम में आते हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्लेनिंग टूल, मार्किंग गेज टूल, मेजरिंग स्क्रू और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए टूल, स्ट्राइकिंग टूल्स, कटिंग टूल, प्लेनिंग टूल, जॉब को फिक्स करने का टूल और छीलने के काम में आने वाला टूल, फिनिशिंग फाइल टूल, ये काम में आते हैं।